स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। तो देखो बेसिकली हम लोग टू लाइंस की कोप्लानरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। कैसे, जब याद करो एक हम थ्योरी पढ़ा रहे थे जिसमें बता रहे थे कि दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। याद है कुछ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो दो लाइंस इंटरसेक्ट, मैंने पहले था कि आप दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो प्रूफ करो कि दो लाइंस आपस में जो है वो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हवा में भी हो सकता है लाइंस ऐसे और ऐसे। तो ये प्रूफ करो कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक वो कोप्लेनर नहीं हो सकता है, है ना। एक कंडीशन और होता है जब कोप्लेनर हो जाता है, जैसे पैरेलल लाइंस, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लेकिन प्लेनर होंगे। क्यों प्लेनर होंगे? क्योंकि अगर पैरेलल प्लेन है तो इस दोनों प्लेन के अंदर हम एक प्लेन रख सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे हम एक प्लेन रख सकते हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर प्लेन हो जाएगा तो पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पैरेलल हो उसी के अलोंग हम प्लेन को रख सकते हैं। तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो भी कोप्लेनर प्रूफ हो गया, क्योंकि एक प्लेन रखा जा सकता है। लेकिन तुम्हें क्या देगा एग्ज़ाम में? स्क्यू लाइंस की तरह देगा, मतलब उसके डायरेक्शन कोसाइंस, उस लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे तब तो पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो कोप्लेनर प्रूफ हो गया, है ना। तो क्या होगा कि तुम्हें दिया हुआ नहीं रहेगा, वो स्क्यू लाइंस की तरह डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो अगर प्रूफ करना है कि नहीं दोनों कोप्लेनर है तो आप डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या प्रूफ कर दो? डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस को क्या प्रूफ कर दो? जीरो। तो बेसिकली हम ये चीज पढ़ चुके हैं। उस समय हम लोग ये दूसरे तरीका से, हम बोले थे कि दो तरीका से हम ये बात प्रूफ करते हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला तरीका हम बताए थे कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस को जीरो कर दो, और दूसरा तरीका बताए थे कि दोनों लाइन पे एक जनरल पॉइंट मानो। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इधर से भी एक जनरल पॉइंट मानेंगे और इधर से भी एक जनरल पॉइंट मानेंगे। और जनरल पॉइंट मानने के बाद उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वल इधर वाले से इधर वाला का, फिर वाई कोऑर्डिनेट से इधर से जो निकलेगा और इधर से जो वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा उसको इक्वल करेंगे। उसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट भी निकाल के उसको इक्वल कर देंगे। साथ में हम क्या करेंगे कि पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आर वन आर टू का वैल्यू आता है उसे हम लोग इसमें डालते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है हम जो बोल रहे हैं? अगर पिछला, है ना, पिछला चीज क्लियर होगा, देखे होगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये एक ऐसा था। तो दूसरे तरीका से तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ हमको प्रूफ करना है वो पोजीशन वेक्टर नहीं निकालना है, वैसे तो कर ही सकते हो। अगर कोप्लेनर प्रूफ करना है तो आप कह दो कि एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं दोनों लाइन पे जो कॉमन है। तो अगर ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो कॉमन है तो निश्चित रूप से लाइन इंटरसेक्ट किया होगा, और लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो फिर प्रूफ तो हो ही गया कि उस पर एक प्लेन रख सकते हैं अगर इंटरसेक्ट किया है तो। वो तरीका आप जानते हो, हमने बोला था कि नहीं डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस को जीरो कर दो। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फार्मूला आपको आना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फार्मूला आना चाहिए। याद कीजिए कौन सा फार्मूला था, है ना। मान लीजिए कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, मान लीजिए इसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। तो क्या माना जाता है कि ये लाइन a1 वेक्टर से पास कर रहा होगा और b1 वेक्टर के पैरेलल रहा होगा ना। और दूसरा लाइन मान लीजिए ये है, इसका इक्वेशन मान लीजिए l2 है और वो है r वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी टू वेक्टर, है ना। तो इस पे क्या माना जाता था, एक ए टू वेक्टर पोजीशन वेक्टर जिसका ए टू था और ये पैरेलल हुआ करता था बी टू वेक्टर के, जिस लेमडा से गुना होता है ना या म्यू से, वही उसी वेक्टर के पैरेलल हमारा लाइन होता है। तो अगर आप इसे प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों लाइन स्क्यू नहीं है, क्योंकि स्क्यू हो जाएगा तब तो कोप्लेनर होगा ही नहीं,
तो अगर इसक्यू नहीं है, हमको ये बात प्रूफ करना है, तो हमको कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो हम उन्हीं के बीच के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जीरो हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, वो कैसे होता है, तो वो कैसे होता है, जरा सोचो कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा। अगर हम बोले स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये पहले फार्मूला वाला बताओ, तो ये होता है तुम्हारा ए वन माइनस ए टू और डॉट बी वन का क्रॉस बी टू के साथ लेते हैं, और ये क्या आना चाहिए, जीरो। यही ना फार्मूला होता है स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस का, ए वन माइनस ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये जीरो हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो एक तरीका है कि अगर तुमको याद आ गया कि नहीं स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला ये है, तो जीरो प्रूफ कर दोगी। मान लो नहीं याद आ रहा है, बाय द वे मान लो तुम्हें फार्मूला नहीं याद आ रहा, तो एक और तरीका बता रहे हैं, देखो क्या होगा। अगर लाइन स्क्यू रहेगा तब तो कोप्लेनर नहीं ना होगा। तो अब जरा सोचो कि मान लो इस तरह से लाइन था हवा में, तो हवा में जब लाइन है मान के चलो, क्या करें, हाँ चलो ये है मान लो, ये है लाइन इस तरह से, है ना। अब इसके ऊपर एक पॉइंट ए वन होगा, जैसे ए वन वेक्टर यहाँ दिए हुए हैं, ए टू वेक्टर यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ यहाँ होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, मान लो इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, उसको मान लेते हैं यहाँ होगा और यहाँ होगा, और ये ऊपर की तरह है, इसकी लाइन्स पे सोचते हैं। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, है ना, तो एक वेक्टर मिलेगा हमें, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब देखो अगर हम बोले कि दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में सोचो, जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग जो होता है वही ना होता है। yes, अब जरा सोचो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग जो होगा, जरा ध्यान से सुनना, ये लाइन है मान के चलो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है, क्या हम उसे बी वन क्रॉस बी टू बोलते हैं, क्योंकि b1 इसका इस लाइन का डायरेक्शन होता है, b2 इस लाइन का डायरेक्शन होता है, और b1 क्रॉस b2 करते हैं तो ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा ही वेक्टर देता है ना जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारा b1 क्रॉस b2 हो गया। क्या अगर लाइन ये स्क्यू रहेगा तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो पाएगा कभी, जरा सोचना। ये वाला वेक्टर तिरछा निकला है, ऐसे ऐसे तिरछा जा रहा है, और ये वाला वेक्टर सीधा है। तो अगर हम इसको वेक्टर को तो पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें तो ये नॉर्मल वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ तिरछा एंगल बना लेगा, ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन इसक्यू नहीं होके बल्कि इंटरसेक्टिंग होता तो देखो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होता। अगर ये होता तो जरा सोचो, इसको ज्वाइन करोगे तो ये वेक्टर और यहाँ से जो नॉर्मल वाला वेक्टर निकला है, क्या आपस में परपेंडिकुलर होता है? Yes. क्यों होता, जरा ध्यान से देखना क्यों होता। क्योंकि ये लाइन जो है वो एक प्लेन में आ गया, ये लाइन दोनों क्या आ गया, एक प्लेन में आ गया। अब यदि एक प्लेन में आ गया, एक सतह में आ गया, तो इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी लाइन, इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी लाइन इसके तो भैया परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि हमको ऐसा वेक्टर मालूम है जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब दोनों पे जो प्लेन लाई करेगा ना, उस प्लेन पे भी वो परपेंडिकुलर है। इस पे जो प्लेन लाई करेगा उस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। तो प्लेन पे अगर 90 डिग्री बना दिया ऐसे, तो इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी लाइन आप खींच दो, उससे 90 डिग्री ही बनाएगा वो। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए वन माइनस ए टू जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर वो बी वन क्रॉस बी टू मतलब वो नॉर्मल वाला डायरेक्शन जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर था, तो वो दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री बनाएंगे, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। तो वहाँ से भी सीख सकते हो, यहाँ से भी सीख सकते हो, जो दिमाग में चल जाए काम कर लेना, ठीक है। अब तुम्हें क्या होगा, एक कार्टेशियन फॉर्म भी देख लो, है ना। वेक्टर फॉर्म तो तुम देख ही लिए कि हमको पोजीशन वेक्टर पहले लाइन का a1 है, दूसरे का a2 है, तो a1 माइनस a2
अब फिर बी वन है, बी टू है, तो बी वन क्रॉस बी टू, इसको जीरो कर देना है। कार्टिजन फॉर्म क्या होगा जरा सोचो, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया प्रूफ करने का, मतलब ये समझ लेना कि अगर ये जीरो आ रहा है तभी हम ये बात बोलेंगे, मतलब अगर ये तुम किए और जीरो आ गया है ना, बी ए वन माइनस ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू किए और जीरो आ गया तब कहोगे दिस इंप्लाई लाइन्स आर कोप्लेनर, ऐसे बोल दोगे है ना, और नहीं तो सॉरी कार्टिजन फॉर्म में क्या होगा जरा देखो, कार्टिजन फॉर्म में क्या होगा तुम बताओ, ये क्या है a1 वन माइनस ए टू वैक्टर, तो a1 वन ए वन माइनस ए टू का मतलब क्या होगा जरा सोचो, ये x1 y1 z1 हुआ होगा, ये x2 y2 z2 हुआ होगा है ना, तो अगर तुम a1 वन माइनस ए टू करोगे तो क्या होगा, x1 वन माइनस एक्स टू होगा, होगा ना, i कैप प्लस y2 टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, और इसका डॉट लेना है हमको बी वन क्रॉस बी टू के साथ। तो याद करो बी वन क्रॉस बी टू का मतलब क्या होता था, बी वन के पास एक डायरेक्शन कोसाइन होता था और बी टू के पास भी एक डायरेक्शन कोसाइन हुआ करता था या डायरेक्शन रेशियोज हुआ करता था। तुम्हारा बुक में जो डायरेक्शन रेशियो यूज किया है वो है तुम्हारा ए वन बी वन सी वन, सॉरी ए वन पता नहीं क्या लिख दिया वो उसने, ए वन बी वन सी वन, हाँ ठीक है ए वन बी वन सी वन। मान लो कि ये जो बी वन वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो रेशियो है वो है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और जो बी टू का डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन रेशियो मतलब बी टू वेक्टर जो है वो आप लिख लो ए टू I कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तो मान लो अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमको किसका किसका क्रॉस लिखना होगा, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और क्रॉस ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। अब याद करो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट जब वेक्टर का लेते हैं तो क्या होता है, आई जे के होता है, और फिर बी वन का लाइन होता है और बी टू का लाइन होता है, याद है कुछ डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो आई जे के बी वन सॉरी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ये तो ये रहा। अब इस वेक्टर के साथ हमको डॉट लेना है किसके साथ, ए एक्स वन माइनस एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो याद रखना डिटरमिनेंट फॉर्म में ये वेक्टर है और इसका डॉट लेना है तो आई कंपोनेंट का आई में गुना होगा, जे कंपोनेंट का जे में गुना होगा, और के कंपोनेंट का के में गुना होगा। तो जरा सोचो कि ये x2 टू माइनस एक्स है और यहाँ i का कंपोनेंट 1 है तो ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम x1 वन माइनस एक्स लिखे हैं, यहाँ पे हम x2 टू माइनस एक्स कर दिए, कोई गलती है कर दिए हैं क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है। दो तरीका से इस बात को समझ सकते हो, एक ये है कि अगर ये मतलब ये a1 वन माइनस ए टू वेक्टर अगर इसके परपेंडिकुलर है तो a2 टू माइनस ए वन भी परपेंडिकुलर है ना, a2 टू माइनस ए वन भी परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ डिटर्मिनेंट में भी आप कह सकते हो कि अगर हमको बराबर जीरो ही प्रूफ करना है तो एक डिटर्मिनेंट में माइनस कॉमन लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि आगे आएगा। जैसे ये हो गया x2 टू माइनस एक्स वन, फिर y2 टू माइनस वाई वन, फिर z2 टू माइनस जेड वन, आई का कंपोनेंट का गुना, जे का कंपोनेंट का गुना, और के का कंपोनेंट का गुना। ये हो गया तुम्हारा ए वन बी वन सी वन, फिर हो गया ए टू बी टू सी टू, और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये कार्टिजन फॉर्म हो गया तुम्हारा, समझ गए बात को। कभी भी अगर तुमको एक वेक्टर का डॉट लेना है दो के क्रॉस के साथ तो डिटर्मिनेंट में क्या कर दो कि पहला वेक्टर का कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, तीसरे वेक्टर का कंपोनेंट लिख दो,
और उसको ऑपरेट कर दो, वही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, इसमें अगर हम माइनस कॉमन लें तो पूरे एक रो से कॉमन आता है ना, तो पूरे एक रो से कॉमन होगा, तो ये x1 माइनस x2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, z1 माइनस z2 हो जाएगा। उस माइनस को हम बराबर किधर भेज देंगे, तो किसी को भी प्रूफ कर दो, ये बात प्रूफ हो जाती है। बात समझ गए? समझ गए ना वर्षा? ठीक है, प्रिंट कर लीजिए इसको, कोप्लेरिटी ऑफ टू प्लेन्स। फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ये जो कहानी है, इसको देखिए, हमको प्रूफ करना है। एक्चुअली हम लास्ट वाला बात तो लिखे ही नहीं, कह रहा है स्टोर दैट द लाइन्स एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, जेड माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव एंड एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, y माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, जेड माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। तो आप जो है ना वही याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का जो फार्मूला याद रखते हो, सबसे पहले एक बार जरूर देख लिया करो कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल तो नहीं ना है। जैसे माइनस थ्री वन है, फाइव है, फिर आपका माइनस वन है, थ्री है, टू है और फाइव है, अगर प्रोपोर्शनल हो जाता तो पैरेलल हो जाता, और पैरेलल कोई भी दो लाइंस हो उसमें एक प्लेन रखा जा सकता है। कैसे भी पैर ले लो, ऐसे भी पैर ले लो, एक प्लेन रख सकते हो। तो प्लेनर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यार इसमें हम तीन से गुना करेंगे तो ये आएगा जरूर, माइनस तीन आएगा, लेकिन तीन से गुना इसमें भी करना पड़ेगा और ये वो हो जाएगा छः, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस नहीं थे, दोनों लाइंस अलग अलग थे। अब हमें कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो कोप्लेनर प्रूफ करना है मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस को जीरो करेंगे, और फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का क्या, ए टू माइनस ए वन डॉट या ए वन माइनस ए टू कुछ भी कर लो, और बी वन क्रॉस बी टू का वैल्यू जीरो। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है, ये वेक्टर फॉर्म होता है। एक ये है, इसी का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना है तो ए टू और ए वन को क्या समझते हो तुम? ये जो नीचे वाला रहता है वही ना ए वन ए टू होता है। अगर हम तुमसे पूछें या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर याद किए हो तो जब तो डायरेक्ट कर दोगे x2 टू माइनस एक्स वन फार्मूला लगा के, ये वाला x2 टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। यहाँ पर आप लिखोगे a1 वन बी वन सी वन या a2 टू बी टू सी टू, डायरेक्ट लिख दो फार्मूला अगर आपको याद है फार्मूला, तब याद होना भी चाहिए। x2 टू माइनस एक्स वन का मतलब इसे x2 मानो, इसे x1 मानो, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ आप हमें। अगर आप इसे x2 मानते हो, किसी को भी मान सकते हो, और इसे x1 मानते हो, तो क्या होगा रिजल्ट जरा बताओ आप हमें, बोलो। माइनस वन और माइनस ऑफ माइनस थ्री यानी कि टू हो जाएगा, चाहे लिख दो ऐसे लिख दो, माइनस वन ऑफ माइनस थ्री, फिर y2 टू माइनस वाई वन तो 2 माइनस वन, यहाँ पर 2 है यहाँ पे 1 है, फिर 5 माइनस फाइव जीरो हो जाएगा। फिर a1 b1 c1 लिखना है तो कोई सभी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वो प्रॉपर्टीज़ होता है कि आप एक रो और एक करोगे तो एक माइनस का फ़र्क पड़ेगा, तो एक्चुअली आर एच एस जीरो लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये है ए टू बी टू सॉरी ए टू बी टू सी टू की जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए, माइनस वन टू और फाइव। अगर इसका वैल्यू जीरो आएगा तब हम बोलेंगे कि कोप्लेनर होगा। ये कितना आएगा जरा बताओ, ये आएगा तीन में से एक गया दो, तो ये टू हो गया, ये वन हो गया और ये फाइव हो गया, ये आपका माइनस थ्री वन फाइव और यहाँ पे माइनस वन टू और ये फाइव है ना। अब देखो एक तरीका है कि डायरेक्ट ऑपरेट कर दो, और एक तरीका है कि ये तीनों सेम दिख रहा है तुम्हें, तीनों जब सेम दिख रहा है तो क्या कर सकते हो आप, इसमें से इसको घटा सकते हो ना, जीरो आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटा सकते हो जीरो आ जाएगा, तो दो कॉलम को जीरो करने, दो रो को जीरो कर दोगे, मतलब एक कॉलम दो रो सॉरी ये वाला जीरो हो जाएगा जब, तो ये इसके अलोंग केवल ऑपरेट करना होगा, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
तो वो सब काम कर सकते हो आप, नहीं तो डायरेक्ट भी आप ऑपरेट कर सकते हो, इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं लगाओ तो भी, है ना। नहीं तो लगाना चाहते हो तो लगा लो, हम तो भाई डायरेक्ट ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि हमको थोड़ी बोला है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से प्रूफ करिए, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट ऑपरेट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हें दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट ऑपरेट करने में, मन कर रहा है कि कर देते हैं तो कर लो, वो सब प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा। तो ज़रा हम करके देखते हैं डायरेक्ट, टू इन टू, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, तो ये फाइव वन जा फाइव और माइनस फाइव टू जा टेन, फिर माइनस वन लेंगे इसके लिए, इसको और इसको ढकेंगे, तो अब गुना किसका होगा, इसमें इसमें ना पहले, तो माइनस का फिफ्टीन और माइनस फाइव वन जा फाइव, यानी कि प्लस फाइव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो माइनस है, और फिर प्लस में फाइव यहाँ वाला, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, तो इसका गुना इसमें, हाँ जी, मतलब अभी तक हम सही कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं, ये सही है ना, ये सही है, कहाँ से बोल रही हो, इसको इसको ढकेंगे ना भाई, तो ये माइनस सिक्स हुआ और फिर माइनस सिक्स हुआ और ये प्लस वन हो जाएगा, क्या दिक्कत है, सब तो सही है कर रहा है ना। ये कितना आएगा, माइनस का फाइव आएगा, तो माइनस का टेन हो जाएगा, ये आएगा माइनस का टेन, तो ये प्लस का टेन हो जाएगा। तुम सही बोल रही हो क्या, कुछ गड़बड़ तो किए हैं लग रहा है, ये माइनस छः में से एक गया माइनस पाँच, तो माइनस पच्चीस हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं। कौन सा ऑपरेशन, बीच वाला, ये वाला, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जीरो होगा, काहे होगा, क्योंकि आपका ये भी फाइव है और वो भी फाइव है, तो फाइव माइनस जीरो नहीं लिखना चाहिए था हमें, फाइव माइनस फाइव लिखना चाहिए था। तो ये अगर दो ठो जीरो आ ही गया और ये जीरो है ही, तब तो जीरो हो गया ना प्रूफ, तो ये जीरो हो गया मतलब लाइन्स को प्लेनर, तो उसके बाद हम इम्प्लाई करके लिख देंगे, लाइन्स आर कोप्लेनर। और मान लो ये फार्मूला तुम्हें याद नहीं आ रहा है, बाय द वे हो सकता है कि फार्मूला ना याद है, तो याद नहीं आया तो ये तो स्क्यू लाइन्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना। और अगर ये याद है तो अब क्या कर लोगे आप, ए टू माइनस ए वन, तो ए वन वेक्टर लिख लेना, माइनस थ्री वन और ये फाइव होगा ना, सॉरी ठीक तो है, ठीक है हाँ ठीक है ना। ऊपर वाला ए टू वेक्टर जो होता है वो लाइंस का पर लाई करने वाला पॉइंट होता है, और ए वन वेक्टर क्या होता है, लाइंस पे लाई करने वाला पॉइंट वेक्टर होता है। यहाँ ए वन बी वन सी वन से मैच मत करा लेना, यहाँ पे ए वन बी वन सी वन डायरेक्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज था, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज यहाँ था और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ था। तो अगर हम बोले कि तुम्हारा ए वेक्टर क्या है या ए वन वेक्टर क्या है, तो ए वन वेक्टर के लिए आप क्या कह सकते हो, ये माइनस थ्री वन और फाइव। फिर ए टू वेक्टर के लिए हम बोले तो माइनस वन टू और फाइव, आई जे के अपना लगाते रहो, कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है, ठीक है तब आगे बढ़ते हैं फिर।